रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। चारों तरफ ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं, चारों तरफ मिसाइलें चलाई जा रही हैं। इनमें कानपुर के सैकड़ों छात्र फंसे हुए हैं जो कीव एयरपोर्ट पर सुबह पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ये बताया गया कि यहां से सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। 80,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की फ़्लाइट की टिकट्स ली गई, लेकिन वो सारी फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से सारे छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं। कानपुर में उनके परिवार चिंतित हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के। इंडियन एम्बेसी से उन्होंने मांग की है कि किसी भी तरह उनके बच्चों को वापस लाया जाए। मेरा नाम नीलम कुमार शुक्ला है, मेरी बेटी आकांक्षा शुक्ला है, यूक्रेन में मेडिकल के लिए गई हुई है और उसका 4 साल कंप्लीट हो गया। टोटल मतलब 6 साल का MBBS कोर्स है वहाँ पर। आज उसको वापसी आना था, लेकिन जब कीव स्टेशन पर पहुँची उसके पास में मेल आ गया कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। जब फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो वो इंडिया एम्बेसी के पास में गई जिससे कि इंडिया एम्बेसी उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन इंडिया एम्बेसी पर 6 घंटे बाहर खड़े होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद उनको नहीं मिली है। और इस समय वो एक प्राइवेट हॉस्टल में रह करके अपना गुजर बसर कर रही है। ना उसके पास इस समय ATM से में पैसा सारे खत्म हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की कोई उसके पास में कैश भी नहीं है। वो इस समय जो है सब चीज़ के लिए परेशान घूम रही है। की हालात थोड़ी ठीक नहीं है, बच्चे वहाँ पर काफ़ी पैनिक कर रहे हैं और ATM बैंक जैसी बेसिक फैसिलिटीज बंद हो चुकी है और बाकी जो जहाँ पर भी एसेंशियल आइटम्स सिर्फ या बैंक मिलते हैं वहाँ काफ़ी भी और क्योर जैसा माहौल है। यूपी के आपके कितने दोस्त ऐसे हैं कि जो किन किन शहरों के हैं जो अभी वहाँ फंसे हुए हैं? मेरे मथुरा, वृंदावन, इनफैक्ट हरियाणा, बिहार। तो अभी आपको कब जाना था? नहीं, हमारे पास ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कोरोना ज़्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होकर हमारा जी। अच्छा, तो अभी जैसे जो फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी हो गई है, क्या आपके दोस्त आना चाह रहे हैं वापस अपने देश में? उनको क्या वो दिक्कतें बता रहे हैं कि क्या वो दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही? तौर पर सिर्फ फ्लाइट के पैसे ज़्यादा होने की वजह से YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।